स्वागत है आप सभी का कोविड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज में। आज की सीरीज में बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली क्या होता है कि जो कोविड के मद्देनज़र जो है एग्जामिनेशन पेपर बनाए जाते हैं उनमें मोस्टली जो बेसिक डेरिवेशन हैं उन पर जोर दिया जाता है। तो 3D के पेपर में जो प्लेन्स के, स्ट्रेट लाइन के, स्फीयर के जो जनरल डेरिवेशंस हैं उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसीलिए जो है सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है एक डेरिवेशन ही है जिसमें हमें प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड करना होता है। सपोज ये प्लेन एक्स, वाई और जेड एक्सिस को ABC पे कट करता है। जैसा कि हमें पता ही है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है एक्स, वाई, जेड में फर्स्ट डिग्री का होता है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D कुछ तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये O से लेकर A तक की डिस्टेंस स्मॉल a, ओरिजिन से लेकर B तक की डिस्टेंस स्मॉल b और ओरिजिन से लेकर C तक की डिस्टेंस अगर स्मॉल c है तो फिर इंटरसेप्ट OA ये वाला A हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा और ये वाला C हो जाएगा। तो OA इज A, OB इज B, OC इज C। तो पॉइंट ABC के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 होते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0,B,0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स और जेड 0 होता है, और इसके हो जाएंगे 0,0C। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट ABC के होंगे, वो बनेंगे हमारे A,0,0, 0B,0 और 0,0C। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ एक्स, वाई, जेड है वहाँ पर एक एक करके रखते जाइए। एक्स की जगह ए रखा, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0 प्लस डी कुछ तो 0, तो ए की वैल्यू -D/A आ जाएगी। ऐसी जो है 0B0 रखेंगे तो B(B-D/B) आ जाएगा, और 0,0C रखेंगे तो C(C)-D/C) आ जाएगा। ये जो ABC की वैल्यूज़ निकाली हैं वो इस इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट में। तो ये हमारा बनता है -D/AX -D/BY -D/CZ + D=0। माइनस ये रहे, D से डिवाइड कर दिया तो -X/A + -Y/B + -Z/C + 1=0 हो जाएगा। एंड फाइनली वी गेट द आंसर X/A + Y/B + Z/C = 1। गुड लक।